कांग्रेस पर भड़के योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, केरल के कासरगोड में भाजपा की विजय यात्रा के उद्घाटन के अवसर पर रविवार को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं जो सीपीएम और अन्य तत्वों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई करते हुए मूल्यों और आदर्शों की राजनीति करने के लिए समर्पित हैं, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। केरल में मां की सरकार हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा केरल में कुछ नहीं किया है। इनके द्वारा केवल केरल की जमीन पर अराजकता अव्यवस्था फैलाकर इसका इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। हाई कोर्ट की सलाह के बाद भी नहीं बना लव जिहाद के खिलाफ कानून। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने यहाँ की सरकार का ध्यान लव जिहाद की ओर आकर्षित किया था, लेकिन यहाँ की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून नहीं बना पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना दिया है। 2009 में यहाँ की न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का एक हिस्सा है। इसके बावजूद यहाँ की सरकार सोई हुई है, उसे कोई चिंता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भाजपा केरल की आवश्यकता है। केरल में इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि केरल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ की छवि बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी वह अलग अलग राज्यों में विधानसभा एवं स्थानीय चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा का चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में वह पश्चिम बंगाल व तेलंगाना के दौरे पर गए थे। बता दें कि केरल में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का यहाँ खास प्रभाव नहीं है, मगर भगवा पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कुछ ही दिन पहले केरल से ताल्लुक रखने वाले और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद श्रीधरन ने भी कहा था कि बीजेपी अब राज्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों, सीएम योगी द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया गया, इस कानून के बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ न्यूज़ को लाइक कमेंट शेयर करने को ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।